अपर पोजिशन, चारों पोजिशन में हम आसन करते हैं तो हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं ना, जितने भी हमारे स्केलेटल सिस्टम है वही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हमारे मसल्स का टोनिंग हो जाता है, मस्कुलर सिस्टम बनते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट का हमारा अच्छा सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्रीन, लिम्फैटिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट सबका होता है, हमारी कुंडली जागृत होती है। कुंडली क्या बोलते हैं, हमारा ऑर्गन यानी बॉडी का सब एक्टिव हो जाता है, शरीर में यह तो दिमाग का बोलो बता, इसीलिए जो फटक गया दिमाग को समझ लिया आसन है क्या भाई, क्या करोगे शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम आसन करेंगे, आसन से क्या फायदा होगा, हमारे सारे बॉडी सिस्टम मजबूत होगा, हमारे बॉडी में सिस्टम है कि नहीं, आसन क्लियर है ना भाई, हमारे बेहतर है ना, हमारे मसल्स हैं ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोटीन सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम सब ठीक हो जाते हैं, जो आसन में सीखा दो है, आठ क्या है, तीनों यामा नियमा आसना पढ़ाया प्रत्याहार धारणा ध्यान आपके ध्यान का टाइम भी देखिए, अभी एक भी नहीं बना है ना, तो क्या आठ कौन है, बोल कौन बोले, रखवा रहा हूँ क्या भी होगा यार है ना, आप बैठोगे तो धारणा बोलो, हाँ बोलो बोलो कौन है, यामा नियमा समाधि समाधि, देखो क्या ऐसा उंगली में गिरी नियमा, ये 10 सोच है इसमें, इसको हमको दिमाग में धारण करके ध्यान देना, उनको 10 सोच है इसकी पूरे दुनिया के सोच आ जाते हैं, यामा बताए ना अहिंसा सत्य अस्था ब्रह्मचर्य, नियमा बताए कक्षा सत्योषा तपसा स्वाध्याय।